हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। सो दोस्तों, आज आपका प्रीलिम्स है यूपीएससी सीएससी का, 2 जून है। तो आई होप आप सभी का प्रीलिम्स अच्छा गया होगा। तो जैसे प्रीलिम्स होता है तो ऑब्वियसली हर किसी टीचर की भी और स्टूडेंट की भी हैबिट होती है कि बाद में देखना कि क्या जो था वो पढ़े में से आया था और क्या प्रॉपर आंसर सही है, क्या कितने आंसर गलत हुए हैं। ये सब सभी स्टूडेंट्स की और इनफैक्ट टीचर्स की और कोचिंग इंस्टीट्यूट की हैबिट होती है अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। तो इसको एनालाइज करते हुए, आपके क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, हमें ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डायरेक्टली हमारी जो टेस्ट सीरीज थी अचीव आईएएस टीम की, उसमें से डायरेक्टली 23 क्वेश्चंस आए हैं। दोस्तों, डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली आए हैं, और हम ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। आपको इस चीज का प्रूफ हम नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। और 23 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली थे, और इनफैक्ट जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन थे, जो और 30 क्वेश्चन थे वो जो कंसेप्ट बेस्ड थे, वो भी इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से हम क्लेम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको प्रूफ के साथ प्रूफ करेंगे, और कोई भी झूठ इसमें नहीं है, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, 23 क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली आए हैं, और अगर आपको हमारे कॉन्टेक्ट में आना है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी ईमेल आईडी achieveis21@gmail.com है, हमारा मोबाइल नंबर 8968426481 है, और हमारी वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और हमने ऑलरेडी 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, और आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके सामने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन आया था, और इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि मोर देन 80 नेशंस हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, एंड दिस AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और आप देख सकते हो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 1, और हमारा ये आपका करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से आपको सीधा आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख सकते हो, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पूछा गया कि ये साइन किया जाता है इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, रिसेंटली साइन किया गया, इसका पर्पस क्या था। तो आपको सीधा आप देख सकते हो, हमने भी एक क्वेश्चन डाला हुआ था, ये हमारी टेस्ट नंबर 2 है, जुलाई 2018 के करंट अफेयर में से ये क्वेश्चन आया है। जो हमारी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज थी उसमें हमारा 70th क्वेश्चन जो है, जिन बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी वो देख सकते हैं अपना टेस्ट नंबर 2 उठा के करंट अफेयर्स का, और जुलाई मंथ का जो टेस्ट करंट अफेयर है उनका, तो उसमें आप देख सकते हो 70 नंबर पे क्वेश्चन है वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट के बारे में आया हुआ है। और एक्सप्लेनेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि ये बेसिकली जो लोन्स है उनको रिजोल्व करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया विद अ साइज ऑफ 50 करोड़ और मोर। सो क्लियरली यू कैन सी हमारे टेस्ट में से ये क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो 68th क्वेश्चन है, ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, सो इसमें आपका आंसर आएगा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। तो आप देख सकते हो कि सीधा बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हमने क्वेश्चन, इनफैक्ट हमने एक बड़ा क्वेश्चन बनाया था 68th क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 3, एंड हमारा जो ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अगस्त 2019, जो अगस्त 2018 का जो मंथ है उसके जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है उसमें से ये क्वेश्चन है 68th बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है इट्स ब्रॉड एजेंडा इज टू इम्प्रूव गवर्नेंस एट स्टेट ओन लैंडर्स एंड ऑल्सो एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट्स। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये सीधा सीधा हमारी इस टेस्ट सीरीज में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में पूछा गया है 2017, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारी टेस्ट नंबर 6 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, उसमें हमने 28th नंबर पे आप हमारा टेस्ट देख सकते हो, उसमें हमने ये क्लियरली मैं किया हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इसमें हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है, इसमें जो एंटाइटलमेंट है वो कितनी देर की मिलती है, 6 महीने की एंटाइटलमेंट होती है बेसिकली, जो 2 महीने पहले होती है प्री डिलीवरी, एंड बाद में जो पोस्ट डिलीवरी होते हैं वो 4 महीने मिलती है, और इनफैक्ट ये दो चिल्ड्रन तक ही मिलती है, उसके बाद इसके जो प्रोविजन है वो कम इफेक्टिव होने लगते हैं। तो
तो आप देख सकते हो हमारा 28th क्वेश्चन टेस्ट नंबर 6 ऑफ करंट अफेयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में, कि ये इसमें कौन सा जो सब इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। तो इसमें हमने क्लियरली ये देखिए आप 56th क्वेश्चन है, हमने पूछा हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में और एक्सप्लेनेशन में सारी डिटेल बताई हुई है कि कौन इसको रिलीज करता है, इंडिया की क्या रैंकिंग है और इसके इसके जो इसके जो सब इंडेक्सेस हैं वो क्या है, किन बेसिस पे ये तैयार होता है। ये भी हमारा टेस्ट नंबर 6 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में से पूछा गया। और अगर आप देख सकते हो नेक्स्ट तो है आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे जो कंबाइंड टेस्ट थे, जो हमारे मिक्सड टेस्ट थे, उसका टेस्ट नंबर 3। तो क्लियरली आप 14th क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, द कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ्टन हर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये सीधा सीधा बिल्कुल आप देख सकते हो एक तरह से सीधा सीधा दिया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पे जो टिक मार्क किए हुए हैं इनके ऊपर मत जाइए, बिकॉज ये हमें भी हमने हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फोटो क्लिक करके भेजी थी और उनके जो क्वेश्चंस हैं हम देखते हुए उनको इनको हमने ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर कर दिया है। इस टिक मार्क पे मत जाइए कि ये क्या ये करेक्ट है, तो आंसर की हम अलग से अपलोड करेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में से पूछे गए। नेक्स्ट आप देख सकते हो सोशल कैपिटल के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है सोशल कैपिटल क्या होती है, और हमारा 16 नंबर टेस्ट मिक्स्ड टेस्ट टेस्ट नंबर 3 इसमें भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की हुई है और इसमें भी हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ पॉपुलेशन आप देख सकते हो, और पहली ही ऑप्शन है इसमें भी द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। तो ये भी एक तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हो वो आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में है कि पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, इसमें क्या था हमारी जो हमारा जो सोल्यूशन है वो इनफैक्ट इन्होंने क्वेश्चन बना लिया और इसका जो सोल्यूशन था वो इनका क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में हमने क्लियरली पूछा हुआ है कि ये क्या होते हैं। तो ये बेसिकली वो होते हैं जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी नीड टू बी रजिस्टर्ड विद इंडियन स्टॉक मार्केट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये क्लियरली हम ये भी क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में से है टेस्ट नंबर 3, और ये आपका जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं 2018 के, यहाँ पे ईयर मिस स्पेल्ड है 2019 लिखा गया है लेकिन ये 2018 के हैं, तो इसमें से सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया कि आप देख सकते हैं 53rd नंबर क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3, ये आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका अगस्त मंथ का, और कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन एक्ट के बारे में हमने डिटेल में पूछा हुआ है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि बेसिकली ये क्या है, तो इसकी सारी डिटेल जो आंसर की है वो नेक्स्ट हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हमारा पर्पस यही है फोकस करने का कि आप हमें बताएं कि हमने कितना जो इफेक्टिवली हमारी टेस्ट सीरीज थी जिससे हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो हमने कोई भी ऐसा मतलब कि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे चलते हुए क्वेश्चंस बनाए थे और हम एक्सपेक्टेशन भी कर रहे थे कि नियर अबाउट 30-40 क्वेश्चंस जो हैं वो मिनिमम तो डायरेक्टली आएंगे, लेकिन हालांकि वो नंबर कम हो गया 23 है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी 30 प्लस हैं। तो उनके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे, या आप देख सकते हो परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में, और सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा 34 क्वेश्चन नंबर है मिक्स्ड टेस्ट नंबर 3 कंबाइंड टेस्ट 3 है, और इसके बारे में परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहां पे। तो आप इसको देख सकते हो, आप इसको स्लाइड्स को वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, इसमें कोई झूठ नहीं है, हमने बिल्कुल प्रूफ्स के साथ आपको प्रूफ करने की कोशिश की है। अगर आप और प्रूफ चाहते हैं तो आप हमें फील फ्री करिए हमें कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हेपेटाइटिस के बारे में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था, बिकॉज हेपेटाइटिस डे जो मनाया गया था अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो उसमें उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और उससे ये क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछा था कि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है कब मनाया जाता है, इसका क्या थीम था और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है हेपेटाइटिस के बारे में, और क्या प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस की बी और सी में क्या फर्क है। तो ये क्लियरली 51 क्वेश्चन टेस्ट हमारा जो करंट अफेयर टेस्ट 2 जुलाई करंट अफेयर्स जो 2018 के उसमें से आया है सीधा सीधा ये। तो ये फिर से एक स्लाइड मैंने आपको इंक्लूड कर दिया, 23 क्वेश्चंस वर आस्क्ड डायरेक्टली। तो आप हमें मेल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और हमारे 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने
करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आप सीधा सीधा देख सकते हो तो जागीरदार एंड जमींदार के बारे में, तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जागीरदार और जमींदार के बारे में फर्क पूछा गया है और जमींदार क्या होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो क्लियरली हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए, तो जमींदार जो है मुगल इंडिया में उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो कोई भी इसमें झूठ नहीं है, आपके बिल्कुल सामने, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है ये पूछा गया, और हमने तो इनफैक्ट इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था कि ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है और इंडिया का रैंक क्या है। तो सीधा सीधा हमारी क्वेश्चन, हमारे इस टेस्ट सीरीज में से ये क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 5 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हमारी, जो उसमें उसमें से ये क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। आप देख सकते हो हमारी 31st क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज का। तो इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, फोरम के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो चार्टर एक्ट 1813 है, तो यहाँ पे भी 88th क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हमारा मिक्स्ड टेस्ट 27 नंबर टेस्ट है जिसमें हमने इसके बारे में चार्टर एक्ट 1793 और 1813 के बारे में क्लियरली पूछा है। दोस्तों इसकी मैं और भी स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर सकता था जिसमें हमने डिफरेंट चार्टर एक्ट कवर किए हैं, लेकिन उससे फिर थोड़ा काम जो था वो होच पोच हो जाना था। इनफैक्ट हमने सारे चार्टर एक्ट कवर किए हैं और उनमें बार बार उनकी एक्सप्लेनेशंस में, हमारे जो टेस्ट्स की एक्सप्लेनेशंस में हैं उनमें बार बार डिफरेंट चार्टर एक्ट का मेंशन है। मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि प्लीज हमारे टेस्ट सीरीज को जब आप सोल्व करते हो तो इसको सिर्फ टेस्ट के रूप में मत देखिए, इसको एक तरह से एक्सप्लेनेशन, एक तरह से रीडिंग मान के चलिए और इसकी एक्सप्लेनेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली रीड और रिवाइज करिए ताकि इनकी एक्सप्लेनेशंस को आप मिस ना करें, बिकॉज एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से ही क्वेश्चन कवर होते हैं। बिकॉज दोस्तों ये आपके सामने है, अब मैं अपने मैंने बोला था लेकिन अब मैं आपके सामने बिल्कुल ये क्लियरली बता रहा हूं कि आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द आइडिया ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में इन डिटेल हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो बात है वो है आपकी इनमें से कौन सी साइट हड़प्पा नहीं है, और इनफैक्ट हमने 39th क्वेश्चन है हमारा टेस्ट नंबर 1 एंशियंट इंडिया का ही टेस्ट है, उसमें क्लियरली हमने एक बड़ा मैप डाला हुआ है जिसमें क्लियरली आप देख सकते हो कि ये साइट्स हैं चन्नोधारो, ये आपका धोलावीरा, आप देख सकते हो क्लियरली थोड़ा ब्लर है लेकिन हमने इंक्लूड किया हुआ है पूरा मैप जिसमें आप बता सकते हो कि कौन सी जो साइट्स हैं वो हड़प्पन है कौन सी नहीं है। तो आप क्लियरली 39th क्वेश्चन टेस्ट नंबर 1 एंशियंट इंडिया, तो ये दोस्तों हमारा था कुछ। और ये 59th क्वेश्चन देखिए महायाना बुद्धिज्म के बारे में है, और क्लियरली हमारी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर द बर्थ ऑफ महायाना बुद्धिज्म द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप एंड मेकिंग ऑफरिंग्स लेड टू द डिटेरियोरेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो इसका आंसर जो बनता है वो डी आंसर बनता है, बिकॉज बोधिसत्वास भी महायाना बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और मैंने जैसे आपको बोला कि एक्सप्लेनेशन को जरूर रीड करिएगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे और इनफैक्ट सीधे क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने यूपीएससी का क्वेश्चन है आज का, और आपके सामने हमारी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो ये आपका तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी में है, हमने सीधा सीधा लिखा हुआ है रिवर कावेरी फॉर्म्स 3 बिग आइलैंड्स ऑन हर जर्नी फ्रॉम तला कावेरी टू ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल सी विच आर मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स। दीज आइलैंड्स आर श्रीरंगापटना, शिवसमुद्र एंड श्रीरंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल में पढ़ भी सकते हो कि कौन कौन से हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो हम क्लियरली आप देख सकते हो कि हमने काफी तरह से काफी इफेक्टिवली आपकी टेस्ट सीरीज को कवर करने की कोशिश की है। और उसके बाद आप देख सकते हो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है, और हमारा ये भी जो ये 2016 में इनफैक्ट ये जो आपका अगस्त्यमलाई था इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड कर लिया गया था और इसके बारे में पूछा गया है। और इसमें हमने क्लियरली आप देख सकते हो कि कवर्स दिस शंदूरनी एंड पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्ट्स ऑफ नियर सेंचुरी इन केरल एंड कलाकड़ मंदुथरी टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। तो ये आप देख सकते हो कि क्लियरली आपके सामने एग्जाम्पल, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे, टेस्ट नंबर 11 है ये इन्वायरमेंट का टेस्ट है और आप देख सकते हो कि हमने इफेक्टिवली कवर किए हुए हैं।
तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मियां तानसेन के बारे में है। तो सॉरी, मियां तानसेन के बारे में आप देख सकते हो क्लियरली, तानसेन के बारे में टेस्ट नंबर 7 करंट अफेयर का, दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स, उनमें उसमें हमने कवर किया हुआ है कि तानसेन के बारे में हमने इन डिटेल कवर किया हुआ है। ही वॉज गिवन द टाइटल मियां बाय अकबर, और उन्होंने सर्व किया महाराजा ऑफ रेवा एंड राजा रामचंद्र सिंह के अंडर, और उनके जो जो भी उनकी वर्किंग्स थी वो भी हमने क्लियरली बहुत डिटेल में इंक्लूड की हैं। तो उन्होंने जो बहुत सारे राग इन्वेंट किए थे। सो 69th क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 7, करंट अफेयर दिसंबर। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपका है नामधप्पा नेशनल पार्क के बारे में, और नामधप्पा नेशनल पार्क के बारे में हमने 57th क्वेश्चन में क्लियरली पूछा हुआ है। नामधप्पा नेशनल पार्क इन डिटेल हमने क्वेश्चन बना के उसके बारे में पूछा है कि ये कौन से नेशनल पार्क की बात हो रही है। तो इनफैक्ट ये नामधप्पा नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी आपका जो है इसमें आप इंक्लूड करने में आप सॉरी, जो हमारा टेस्ट है उसमें हमने इंक्लूड जो क्वेश्चंस हैं, हमने ऐसे ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो बिल्कुल यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी के पैटर्न पे हम चले हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो वो है आपका अटल इनोवेशन मिशन का, जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके बारे में हमारा ये क्वेश्चन है, अटल टिंकरिंग लैब्स का, जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमने अटल टिंकरिंग लैब्स की बात किया, और इनफैक्ट अटल इनोवेशन मिशन की इन डिटेल भी बात की है कि नीति आयोग का पार्ट है। तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में आपके ये सारे कवर किए हुए हैं। तो ये तो हमारे जो थे दोस्तों, ये तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन क्वेश्चंस की जो इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं, जिनको हमने आप अपनी टेस्ट सीरीज में ऐसे कवर किया है कि हमारी एक्सप्लेनेशंस में या हमारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट कवर होते हैं, लेकिन मैं उनको ये नहीं क्लेम कर सकता कि वो डायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं। इनडायरेक्टली अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज सोल्व की है और उसको इन डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ी है, तो क्लियरली आप उनको सोल्व कर सकेंगे। तो यहां पे मैं अपने क्वेश्चंस नहीं अटैच कर रहा, बिकॉज यहां पे मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच करने पड़ने थे, लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये जो आपका सीधा क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लियरली दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है इकोनॉमी की, और हमने हमने इकोनॉमी की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, हमने ऐसे इकोनॉमी को कवर किया था कि पहले हमने एनसीईआरटी कवर की थी, फिर हमने स्टैंडर्ड बुक्स, जिसमें हमने कई ऐसे क्वेश्चन, काफी ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जिससे आपके ये करेंसी के रिलेटेड आपके डाउट जो थे वो क्लियर हो जाते थे। और इसमें से क्लियरली दोस्तों पता चलता है कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ज्यादा होंगी और आपके रेमिटेंसेस ज्यादा होंगे बाहर से, तो ऑब्वियसली हमारी जो करेंसी है वो रिस्क में नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो आपका है, ये आपका क्लियरली हमारे टेस्ट में से पूछा गया। हालांकि इस ट्रिक के ऊपर मत जाइए, ये हमने नहीं लगाया, ये स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ है, हमारा ये आंसर नहीं है। इनफैक्ट ये तो आप देख सकते हो कि करेंसी क्राइसिस में ये भी आता है आपका, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है, बिकॉज जितना ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा उससे क्या होगा, जो आपकी रुपी की डिमांड, रुपी है वो ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाएगी और उसका जो प्राइस वो वैल्यू है वो घट जाएगी। तो डी आंसर इसका होना है, इसका बी नहीं होना, इसलिए डोंट गो बाय द टिक दैट हैज बीन मार्क्ड ऑन दिस क्वेश्चन। तो आप यहां पे देख सकते हो कि एसेट्स क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के, तो सीधा सीधा पता चलता है दोस्तों कि जो एसेट्स होते हैं वो मनी होती है जिनको वो इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनको प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हो कि क्लियरली इसमें डिपॉजिट्स इसमें नहीं, इसमें दोस्तों डिपॉजिट्स आना था आंसर, बच्चों ने ये गलत लगाया हुआ है, डिपॉजिट से उनको प्रॉफिट नहीं होता, इनफैक्ट डिपॉजिट्स पे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये आपके एसेट्स नहीं होते, डिपॉजिट्स लायबिलिटी होती है, तो ये क्लियरली हमारे कॉन्सेप्ट्स में कवर्ड है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, सीधा सीधा बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। और अगर आप बात करें, मैं अब इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको मैं जनरली बोल दूंगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स में ये कवर्ड है। हमने पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी की पावर्स भी डिस्कस की थी, हाई कोर्ट्स की पावर्स भी डिस्कस की थी। अब देखिए दोस्तों यहां पे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की दोनों की पावर्स पूछी गई हैं, हालांकि हमने कंबाइंड वे में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए थे, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमने इतने क्वेश्चन जरूर कर लिए थे ताकि आपका जो ये
ये जो सारा है जो क्वेश्चन जो पावर्स हैं वो कवर हो जाएं। तो इसके बाद दोस्तों 25th क्वेश्चन देख लीजिए, लिबर्टी के बारे में पूछा हुआ है। तो एक बहुत ही सिंपल बात है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप 11th की एनसीईआरटी उठाते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें ही आपको पता चल जाता है कि लिबर्टी का क्या मतलब है। तो सीधा सीधा डी आंसर इसका बनता है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हमने कवर किए हुए हैं, और इनफैक्ट प्रीएम्बल भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया था, और प्रीएम्बल में भी ऐसे क्वेश्चन हमने कई कवर किए थे, हालांकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आरबीआई को क्या मेजर्स नहीं लेने चाहिए टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। तो ये भी एक कंसेप्चुअल है, अगर आपको मनी सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको ये पता है कि आपके जो करेंसी है वो विजावी फॉरेन करेंसी कैसे अपवर्ड या डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होती है, तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमने इतने बेसिक कंसेप्ट कवर किए हुए हैं कि ऐसे क्वेश्चन हम जरूर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे सोल्व करने के लिए, जो पर्टिकुलरली हमारे स्टूडेंट्स थे। तो यही मनी मल्टीप्लायर भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आप उसके बाद देख सकते हो कि आर्टिकल 142 की बात है तो उसके बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो सीधा सीधा बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हैं, ये हमने बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी ये कवर किए हुए हैं। और यहाँ पे राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यहाँ पे टेक पे के ऊपर मत जाइए मैं बोल रहा हूं, ये भी एक बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल देखिए, हमने आपको जब आर्टिकल 21, 19 ये सारे आर्टिकल्स कवर करवाए थे, हमने आपको ब्रॉड मीनिंग्स समझाए थे। अब यूपीएससी उनको कैसे क्वेश्चंस पूछती है, उनके ऊपर कौन सी एग्जांपल लेके क्वेश्चन पूछती है, वो अगर हमें पता चल जाए तो ऑब्वियसली हमारे और यूपीएससी के ऊपर शक होने लगेगा कि हमारी कोई एसोसिएशन है यूपीएससी के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस ये है कि हम इतने कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सिलेबस कवर करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें यूपीएससी कोई भी एग्जांपल बना के पूछ ले आप सोल्व कर पाओगे। तो डिजिटल सिग्नेचर वाले क्वेश्चंस भी, और यहाँ पे आपके माइक्रोबियल पैथोजेंस की बात है, यहाँ पे लीग्स की बात है, तो दोस्तों यहाँ पे मैच करना है डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स को, उनकी जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। तो जब हमने डिफरेंट फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स के बारे में बात की थी तो हमने डिटेल में ये भी पढ़ा था, ये भी क्वेश्चन सोल्व किए थे कि कौन से लीडर ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए। हालांकि यहाँ पे तीन लीडर्स और तीन ऑर्गेनाइजेशंस को कंबाइन करके मैच दी फॉलोइंग पूछ लिया गया है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ध्यान से सोल्व करते और अगर आपने की है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। नेक्स्ट आपका ये भी, जैसे आप देख सकते हो कि एशियाटिक क्लोइन के बारे में भी हमने क्वेश्चन किए, डबल हम्ड कैमल के बारे में भी किया, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस के बारे में भी हमने किया, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हम जो है हमारी टेस्ट सीरीज में एक तरह से कवर्ड था। और यहाँ पे 64th क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी है कि पॉवर्टी लाइन डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट होती है, तो ऐसा क्यों है, तो वो बेसिकली इसी करके है कि प्राइस लेवल डिफर करते हैं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी इकोनॉमी को समझ के पढ़ा है, रट्टा नहीं लगाया है, हमारी एक्सप्लेनेशन को जो हमने दी है उनको समझने की कोशिश की है, तो आप क्लियरली इन क्वेश्चन को कर पाए होंगे। उसके बाद ये भी जो आपके हैं स्पीशीज के बारे में, और ये आपका जो दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट ऑफिशियल्स थे, जैसे हमने इक्ता सिस्टम के बारे में बात की, तो इक्ता सिस्टम हमें पता था कि आपका जो दिल्ली सल्तनत में आया ये पहले नहीं था, तो क्लियरली इससे पता चलता है कि ये एंशियंटली इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था। और साथ ही साथ ये मीर बख्शी के बारे में भी हमने बात की। तो ये आपकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रही हैं जो हमने अलग अलग क्वेश्चंस में कवर की हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी टेस्ट सीरीज को तो ये भी क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से सॉल्व हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, या आपका जो नेशनल पार्क जैसे नामधपा नेशनल पार्क है, टेम्परेट अल्पाइन जोन में है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी कर लिया है, तो इसके बारे में डिटेल आपका। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि 21st जून को सन कहां पे होता है, तो ज्योग्राफी में अगर आपने जो सन की मूवमेंट है उसको ध्यान से देखा, सॉरी अर्थ की मूवमेंट को ध्यान से समझा है कि अर्थ ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कब होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कब होता है, हमने ये भी पूछे हैं कि लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ऐसे इन क्वेश्चंस से आपके ऐसे क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल हैं, जो फैक्ट बेस्ड नहीं है, वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी ये जो क्लाउडी नाइट्स हैं, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्लियरली बी आंसर आएगा, तो ये सिंपली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनते, बिकॉज जो धरती की रेडिएशन है वो क्लाउड्स वापस भेज देते हैं, और जो इनफैक्ट टेम्परेचर है वो
कम नहीं हो पाता और ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनते हैं। तो ये ऐसी चीजें कंसेप्ट पे ऊपर बेस्ड हैं, ये हमने अपने जो कवरेज ऑफ दी जो टेस्ट सीरीज है उनकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ये भी आप देख सकते हो कि 44th अमेंडमेंट, 99th अमेंडमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया हुआ है, ये भी हमने कवर किया है। और उसके बाद आप 9th शेड्यूल को देख सकते हो कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमने अपनी टेस्ट सीरीज में भी कवर किया कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट से इनफैक्ट 9th शेड्यूल आया था, और फर्स्ट अमेंडमेंट जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तब आई थी। तो आप अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई करते तो आपका ये क्वेश्चन हो जाता, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही ये कोल सेक्टर की बात है, नेशनलाइज किया गया था हमें ये पता है, और उसके बाद ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं है। आपको पता होगा कि अभी जो आपकी लाइसेंसिंग पॉलिसी है जो रिसेंटली 2016-17 में रिलीज की गई थी, उसमें ऐसा लॉटरी सिस्टम कुछ नहीं है, बिडिंग होती है। तो क्लियरली आपको मैं आप इसका देख सकते हो 90th क्वेश्चन 5th शेड्यूल क्लियरली आपको पता होना चाहिए। आप अपना थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5th शेड्यूल में ट्राइबल लैंड्स की बात की हुई है। तो इसमें इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चंस कवर नहीं हुए हैं, ये टेस्ट सीरीज में नहीं आए हैं, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। और ये एक तरह से मैं कहूंगा कि ये स्टूपिडिटी होगी अगर हम ये कहें कि बिल्कुल भी ऐसा तो यूपीएससी में पूछा नहीं गया था, ये क्वेश्चन तो हमारी टेस्ट सीरीज में कवर नहीं हुआ था। दोस्तों वर्ड टू वर्ड, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड टू वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, क्लोज जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लोजली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पता है, हमने ऐसे क्वेश्चन कई कवर किए हैं कि 5th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है, तो आप ऑब्वियसली इसको कर पाते इजीली। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका 89th क्वेश्चन है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहली जो तीसरी ऑप्शन है वो सीधी इलिमिनेट हो जाती है थर्ड स्टेटमेंट। तो अब थर्ड जो स्टेटमेंट है वो तीन ऑप्शंस में है, एक में नहीं है, और वो है ए, सीधा ए से मार्क हो जाना था। तो नेक्स्ट आपका ये कहां कहां से रिलीज होते हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, अगर आपने एनवायरमेंट अच्छी तरीके से समझ के किया है तो आपको जरूर पता होगा। इसी तरह से ये जो आपकी रामसर कन्वेंशन है और आपके वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स हैं, इनको इस क्वेश्चन में मर्ज कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया गया जो हमने ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस में कवर किए थे। तो ये दोस्तों हमारे आपके सामने हमारा जो था वो एविडेंस था, हमने आपके सामने रखा। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी और हमारे क्लेम्स जेन्युइन लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, हम आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंश्योर करिए कि इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सुजेशन हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप हमारे कॉन्टेक्ट में आना चाहते हो, हमसे गाइडेंस लेनी चाहते हो प्रेपरेशन की, हमें मौका देना चाहते हो खुद को पढ़ाने का, तो आप हमें मेल कर सकते हो achieveies21@gmail.com पे, और आप हमें मोबाइल नंबर 6842-6481 पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये लिंक हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है आपके सामने, हम आपका इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो ये दोस्तों इस वीडियो के बारे में था, तो ये तो चलो इनडायरेक्टली थे, अब डायरेक्टली वाले भी मैंने आपको बताए थे विद एविडेंस के, ये देखिए बिल्कुल हमने ऐसे कवर किए हैं। तो 23 क्वेश्चंस दोस्तों कम नहीं होते हैं अगर आपने देखना हो तो, 23 क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली पूछे गए हैं और 30 प्लस जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्चुअली इनडायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आपके जो आप सिंपल देख लीजिए 30 प्लस 23 53 कर लीजिए, 53 × 2 कर लीजिए 106 होता है। तो ऑब्वियसली आपकी पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 100 से नीचे थी जनरल की, तो आप ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर हो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो किया है, अगर हम पिछले साल की कट ऑफ को मान के चले तो। तो ये हमारा क्लेम था दोस्तों, ये हमारे प्रूफ थे, अगर आपको ये अच्छे लगे तो जरूर आप हमें बताइएगा, शुक्रिया दोस्तों। और कुछ ही देर में हम आंसर की भी अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस।